व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइव में। हमने आपको कुछ समय पहले ही अपनी खबर के अनुसार बताया था कि यहाँ पर एक व्यक्ति था जो बिना किसी भी अनुमति के आईसीयू में पहुंच गया था, यानी कि राजू श्रीवास्तव के पास, और वहां जाके अपनी फोटोज क्लिक करवाने लगा, यानी कि सेल्फीज लेने लगा राजू श्रीवास्तव के साथ। अब आप लोग सोच ही सकते हैं कि आईसीयू में अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी हालत उस वक्त क्या हो सकती है, कितने सारे वहां पर इक्विपमेंट्स होंगे, कितनी सारी चीजों को वहां पर रखा गया होगा। लेकिन वो व्यक्ति बिना किसी परमिशन के वहां पर घुस जाता है और 3 दिन बाद अब उसका पता चला, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन अगर अभी की आपको बात बताई जाए तो ये हरकत फिर एक आदमी ने की है, यानी कि आप सोच सकते हैं कि जहां आईसीयू में सिक्योरिटी गार्ड्स को बढ़ा दिया गया था, जहां पर आईसीयू के आसपास सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जा रहा था, वहां पर किस तरीके से ये चूक हो गई कि एक और व्यक्ति आईसीयू में घुस गया और वो भी सेल्फीज लेने लगा। अब जिसको देखते हो यहाँ पर कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे, और अब तो ऐसा लगता है कि राजू श्रीवास्तव के साथ किसी न किसी की आपसी रंजिश है, जिस वजह से यहाँ पर एक के बाद एक व्यक्ति बिना किसी परमिशन के और चुपचाप यहाँ पर घुसता हुआ नजर आ रहा है। इस बात को लेकर लगातार यहाँ पर खबरें सामने आ रही है और इन सारी बातों से परिवार बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। एक तरफ परिवार यहाँ पर अनुष्ठान और पूजा करने में लगा है, तो वही दूसरी तरफ इस तरीके की बार बार जानकारी आने से उनकी पत्नी, उनकी बेटी और बेटा बहुत ज्यादा टेंशन में नजर आ रहे हैं। यानी कि राजू श्रीवास्तव की इस वक्त क्या हालत है, इस पर कुछ भी कहना मुश्किल होगा। बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि राजू श्रीवास्तव इस वक्त ठीक है या नहीं है, लेकिन आपको ये बहुत ज्यादा बताना जरूरी है कि यहाँ पर जिस तरीके से बिना पूछे कोई भी व्यक्ति घुसता जा रहा है, अब उसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। अब यही देखना होगा कि आखिरकार ये सोची समझी साजिश है या फिर ये एक पागलपन है जो यहाँ पर फैंस का दिखाई दे रहा है। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बाकी इसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।